राइट साइड उठी हुई है, ये सारी चीज़ें वीकनेस है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। ये नेक थ्री बेटर है या नहीं है? हाँ, बेटर लग रही है। इसलिए इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और मैं अभी रोकना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये इम्प्रूव कर रहा है। रोकने से क्या? वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, सूर्या है, सूर्या की ये सेकंड वीडियो है। सूर्या, राइट, यस, आप मुझे अभी बता रहे थे कि नीडलिंग के बाद क्या होता है। नीडलिंग के बाद मेरे को अपना राइट शोल्डर सोर लगता है जी, हाँ, उससे पहले सही भी रहता है, फिर वर्कआउट करता हूँ तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो सूर्या हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो सोर इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करता है शोल्डर, और उसकी शेप और उसकी मसल्स काफ़ी वीक हो गई हैं, है ना। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि हमने लास्ट 15 डेज पहले वीडियो बनाई थी, और आज 15 डेज में हमने करीब 5 या 6 सेशंस या 4 या 5 सेशंस और किए हैं। तो वो डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस आया है ना। तो हम आपकी टी शर्ट निकालने के लिए बोलेंगे और टर्न कर लेंगे दोबारा, और फिर कंपेयर करेंगे, टी शर्ट निकाल लेंगे। लेफ्ट शोल्डर ना, क्योंकि हम नीडलिंग लेफ्ट शोल्डर पे ही कर रहे हैं। और व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं उनके मैं कंपैरिजन में वो दूसरी वीडियो भी डालूंगा, ये जो निकला हुआ है ये पहले नहीं था फर्स्ट वीडियो में, है ना। सिर्फ राइट साइड का ही नज़र आ रहा था, अब ये थोड़ा सा सपोर्ट करने लगा है शेप में, यानी कि दोनों अब थोड़ी सी बराबर दिखना चालू हुई हैं। अगर मैं ये हाथ रखता हूँ या कोई मेरे पास, बट ये शोल्डर राइट ही है, राइट ही है ना, लेफ्टी लेफ्ट से खेलता है, तो राइट तो कंपेरेटिवली काफ़ी वीक है। ये जब ये बाहर निकल जाता है इसका मतलब यहाँ पे ये मसल्स वीक होने लग गई हैं। अब ये इसका ट्रीटमेंट के बाद तो अभी भी लेफ्ट साइड आगे है ना। राइट साइड से अगर मैं रख रहा हूँ तो इस, हाँ, चेस्ट बाहर निकल, एक्सपेंड कर, अब तो बराबर है। बट ये जब जनरल था तो डिफरेंस आया है, ये अभी भी 2-4% या 5% थोड़ा सा और वीक है। आप लोग भी कैमरे से अच्छे से देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं अगर इसकी तरफ हाथ डालता हूँ, इतना ये इतना सारा फील हो रहा है, इस तरह फील होने लगा है, पहले ये भी फील नहीं होता नहीं था। होता था, ये है डिफरेंस। दूसरी बात रही, हमने इसको इंसोल दी थी, इसकी लेफ्ट काफ इतने अच्छे से नज़र नहीं आती थी, यानी कि वीकर थी, अब उसमें भी सिंक्रनाइजेशन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, यानी कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं बताऊंगा, थोड़ी बुरी चीज़ें भी बताऊंगा जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखो, ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये तो टाइट है इसलिए एक लेवल पे है, ये लूज है तो किस तरफ डिप कर रहा है, लेफ्ट साइड में। अगर मैं इसको ऊपर भी कर दूं या कहीं पर भी कर दूं तो जनरली ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ डिप कर रहा है, ये भी बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो यानी कि हल्का सा जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट है, ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग इसकी आज की। सो देर इज डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और मैं अभी रोकना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये इम्प्रूव कर रहा है। रोकने से क्या होगा कि ये जो इम्प्रूव हुआ है ये वापस जा सकता है, दिस इज़ माई असेसमेंट। और हमने ये पीछे वेस्टलिन साफ़ नहीं की है जो कि बुरी बात है, तो मैं ये साफ़ कर देता हूँ, और ये नीडलिंग से भागता है ना, मना कर देता है ना, वो मत करना नेक्स्ट टाइम, मैं इसका एडजस्टमेंट करूंगा। आ जाओ सूर्या। ओके, तो ये इसकी मम्मी की डिमांड पे ही वीडियो बन रही है, आ जाओ लेटेंगे। रिलैक्स, इजी, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, इजी, नाइस, रिलैक्स, छोड़ो ढीला, टर्न करो मेरी तरफ, मेरी तरफ, अब पापा को दिखाई थी, रिलैक्स, लो बैक इज फ्री,
उस तरफ। रिलैक्स, इजी, छोड़ो, टाइट नहीं करनी है। स्ट्रेट, इजी, ओके, कम। हाँ जाओ। व्यूअर्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देखना चाहता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। कुछ बोलना है आपको? बोल दो। सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।